नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, कल का दिन काफी ज्यादा अच्छा था। 17 सितंबर था और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत में 8 चीतों को लाया गया जो कि नामीबिया से मध्य प्रदेश में लाया गया। तो इन चीतों के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा कि इनका खाना खुराक क्या है, इनकी क्षमता क्या है, ये क्या शिकार करते हैं, इनको लाने में कितना खर्चा हुआ है, इसका क्या फायदा होगा, तमाम तरीके की बातें जो है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो नामीबिया से जो है 8 चीते शनिवार को भारत ला दिए गए हैं। देश में 1952 में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की गई थी। करीब 70 साल बाद देश में चीते दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुनो नेशनल पार्क में इन चीतों को जो है वो छोड़ दिया है। ये चीते कैसे भारत लाए गए, भारत लाए जाने के बाद इन्हें कैसे रखा जाएगा, यानी कि भारत में आने के बाद इनको कैसा रखा गया है, चीतों को भारत लाने की कहानी कब शुरू हुई थी, इस पूरी कवायद में कितना खर्चा आया है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल बात करें तो 5 मादा और 3 नर चीतों को लेकर विमान ने नामीबिया की राजधानी होशिया से उड़ान भरी थी। मॉडिफाइड बोइंग 747 विमान से लाए गए इन चीतों में रेडियो कॉलर लगे हुए थे। नामीबिया से भारत लाने के लिए विमान से 114 सेंटीमीटर इंटू 118 सेंटीमीटर इंटू 84 सेंटीमीटर माप वाले पिंजरे बनाए गए थे। करीब 8,000 किलोमीटर की यात्रा करके ये चीते शनिवार सुबह ग्वालियर में उतरे थे और ग्वालियर से इन्हें विशेष चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ले जाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 चीतों को वहां बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ दिया गया। इन चीतों की आखिरकार क्या खासियत है? भारत पहुंचे 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा चीते हैं। 2 नर चीतों की उम्र 5.5 साल है, दोनों भाई हैं। दोनों नामीबिया के ओटजीवा रोंगो स्थित निजी रिजर्व पार्क से लाए गए हैं। तीसरे नर चीते की उम्र 4.5 साल है, इसे एरएनडी प्राइवेट गेम रिजर्व से लाया गया है। 5 मादा चीतों में 1-2 साल, 1.5 साल, 1-3 साल और 4 साल, तो 5-5 साल के चीते 2 हैं। भारत में इन्हें कैसे रखा जाएगा? उन्हें पहुंचने के बाद ये चीते 30 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। इस दौरान उन्हें बाड़े के अंदर रखा जाएगा। बाड़े में उनके स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो 30 दिन बाद सभी चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चीतों के लिए कुनो नेशनल पार्क ही क्यों चुना गया? कुनो नेशनल पार्क को करीब 1 दशक पहले गिर के एशियाई शेरों को लाने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि गिर से इन शेरों को कुने नहीं लाया जा सका। स्थानांतरण की सारी तैयारियां यहां हुई थी। शेर के शिकार के लिए शंभल चीतल जैसे जानवरों को भी कुनो में स्थानांतरित किया गया। शेर के लिए की गई तैयारी अब चीतों के स्थानांतरण के वक्त काम आएगी। कुनो के अलावा सरकार ने मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्य अभयारण्य, राजस्थान में भैसरोगढ़ वन्य जीव परिसर और सागढ़ में वैज्ञानिक आकलन कराया था। आकलन के बाद कुनो को चीतों के स्थानांतरण के लिए जो है बेहतर जगह चुना गया। क्या इसके बाद और भी चीते भारत लाए जाने हैं? अभी ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से भी चीता लाने की सरकार की बात लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही यहां से भी चीते लाए जाएंगे। सरकार की योजना अगले 5 साल तक अफ्रीका के अलग अलग देशों से चीते लाकर हिंदुस्तान में बसाने की है। अब बात कर लेते हैं कि चीतों को भारत लाने की कवायद कब शुरू हुई थी। यह पहली बार नहीं है कि जब देश में चीतों को बसाने की कोशिश हो रही हो। आजादी के लगभग पांच साल बाद 1952 में देश में चीतों के विलुप्त होने का ऐलान किया गया। उसी वक्त सरकार ने चीतों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने का ऐलान किया। 1970 के दशक में ईरान से एशियाई शेरों के बदले एशियाई चीतों को भारत लाने की बात शुरू हुई। ईरान में चीतों को कम आबादी और अफ्रीकी चीतों और ईरानी चीतों से समानता को देखते हुए तय किया गया कि अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाएगा। 2009 में देश में चीतों की लाने की कोशिशें नए सिरे से शुरू हुई। इसके बाद अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2010 से 2012 के दौरान देश के 10 वन्य अभयारण्यों का संरक्षण किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए चयनित किया गया। इस कवायद में पूरा कितना खर्चा हुआ है? फरवरी 2022 में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021-22 से 2025-2026 तक के लिए 38.70 करोड़ रुपए की बजट आवंटित किया गया है और इन चीतों को इसी प्रोजेक्ट के तहत भारत लाया गया है। तो ये जानकारी थी जो चीते लाए गए हैं उसके बारे में। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।